नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीडी टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए पांच ऐसे फ़ोन जिनकी में है डबल सेल्फी कैमरा, मतलब दो दो सेल्फी कैमरा, जिनसे आप एक बेहतर सेल्फी ले सकते हो, जिनसे आप बढ़िया फंक्शन में, किसी भी फंक्शन में बढ़िया सेल्फी ले सकते हो। और वो भी पाँच फ़ोन जो बहुत बजट रेंज में, जिनको हम अपने आसानी से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आगे देखते रहे, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे फोन्स के बारे में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं लेकर आऊँगा आपके लिए रोजाना ही ऐसे नए नए वीडियो जो आपको बहुत ही पसंद आएंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 5 पोजीशन पर है हमारा फ़ोन माइक्रोमैक्स कैनवास इन्फिनिटी प्रो। ये फ़ोन पतले किनारे वाला है और इसके अंदर जो डिस्प्ले है वो बहुत ही स्लिम है, जो एक गुड लुकिंग फ़ोन भी होता है। तो माइक्रोमैक्स कैनवास इन्फिनिटी प्रो के अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो इस हैंडसेट में 5.7 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले है और इसके अंदर ड्यूल सेल्फी कैमरा है, जिसकी रेंज है 20+8 मेगापिक्सल, और जो बैक वाला एक सिंगल कैमरा है जिसका है 16 मेगापिक्सल का एक रियर कैमरा है। और इसके अंदर प्रोसेसर की बात करें तो है ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 450 का प्रोसेसर और बैटरी है 3000 mAh, और प्राइस जो है इसकी इंडिया में वो है 464 GB की है 9999 9999 रुपये। तो नंबर 4 पोजीशन पर जो हमारा फ़ोन है वो है लेनोवो K9। लेनोवो का जो यह हेडसेट है वो बिना नॉच वाले स्क्रीन के साथ आता है। लेनोवो K9 की अहम खासियत उसके कैमरे हैं, जो दो रियर कैमरे हैं वो उसका जो रेंज है वो है 13+5 मेगापिक्सल, और जो फ्रंट पैनल पर भी जो डबल सेल्फी कैमरा है वो भी है 13+5 मेगापिक्सल के दो कैमरे हैं। स्मार्टफोन में जो डिस्प्ले है वो है 5.7 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले है, और इसका जो प्रोसेसर है वो है 2.0 GHz मीडिया टेक का है, और बैटरी 4000 mAh है, और इसकी जो प्राइस है इंडिया में वो है 3GB 32GB के 8999। नंबर 3 पर है हुआई नोवा 3i। हुआई नोवा 3i की अहम खासियत में 6.3 इंच का फुल HD प्लस का डिस्प्ले, फ्रंट कैमरा है 24+2 मेगापिक्सल का, रियर कैमरा है 16+2 मेगापिक्सल का, और इसका जो प्रोसेसर है वो है ऑक्टा कोर आई सिलिकॉन क्रीन 710 प्रोसेसर है, और 3340 mAh की बैटरी है। इस फ़ोन की इंडिया में जो कीमत है 4GB 128GB स्टोरेज वाले फ़ोन की है, वो है 20,000 रुपये। सेकेंड पोजीशन पर है हुआई का ही Y9। हुआई कंपनी ने पिछले माह भारत में इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया है। फोन में 4 AI बेस्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सपोर्ट करने वाले 4 कैमरे हैं। इसकी अहम खासियत की बात करें तो इसमें है 6.5 इंच डिस्प्ले और दो फ्रंट कैमरे जिसका रेंज है 16+2 मेगापिक्सल, और दो बैक कैमरे जिसकी रेंज है 13+2 मेगापिक्सल। इसके अंदर प्रोसेसर है हाई सिलिकॉन क्रीन 710 प्रोसेसर है, 4000 mAh की बैटरी है। इसकी जो इंडिया में प्राइस है वो 464 GB वेरिएंट की है 15,990 रुपये। नंबर 1 पोजीशन पर आता है Xiaomi Redmi Note 6 Pro। हाँ दोस्तों, चीन की मोबाइल कंपनी Xiaomi ने पिछले माह नवंबर में ही Redmi Note 6 Pro लॉन्च किया था। Xiaomi का यह फ़ोन 4 कैमरों के साथ आता है, जिसका जो सेल्फी कैमरा है वो है 20+2 मेगापिक्सल का, और जो बैक कैमरा है वो है 12+5 मेगापिक्सल का। इसके अंदर प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर है, और इसके अंदर ये 6GB रैम तक के साथ आता है। इसकी जो स्क्रीन है वो है 6.26 फुल HD प्लस डिस्प्ले है, और गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्टेड है। इंडिया के अंदर इसकी जो कीमत है 4GB 64GB वेरिएंट की है 12,999 रुपये, और 6GB 64GB वेरिएंट की है 14,999 रुपये। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आऊँगा रोजाना ऐसे ही नए नए वीडियो।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।